करते, फिर थोड़ा धन कमा लेते, फिर आते, फिर योग करते। तो ये दूसरे नंबर का योग करते थे। फिर उसके बाद वो निकलते संसार में जाके संसार का भला करते, अच्छे कर्म करते, तीसरे नंबर का योग। फिर चौथे नंबर का योग भी वही, कहीं बुराई है कहीं भलाई से उसको मिटाते। तो ये मिक्स कर दिए पूरे, यानी पहला योग, दूसरा योग, तीसरा योग, चौथा योग को पूरा आज बन गया ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस। ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो, वैसे करो। ये योग नहीं, ये ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस हैं। वो आप करेंगे तो फायदा होगा, वो भी एक योग का हिस्सा है। अगर आप देखें तो योग का मतलब एक्सरसाइज करना, कर्म करना, कर्म योग में आते हैं सारे। असल योग अपनी पहचान, उस मालिक की पहचान, फिर उसके बाद उससे राबता कायम करना, कम्युनिकेशन, फिर उसके बताए हुए तरीके से अमल करना, कर्म, फिर उसके बाद संसार का भला करने के लिए निकलना और संसार को बुराई से हटाना, फसाद को मिटाना, असलात कायम करना, ये चौथे नंबर का है। यही चार आपको मिलेंगे कुरान हदीस में, असलात, यही चार मिलेंगे बाइबल में, यही चार मिलेंगे वेदों में, अगर आप पूरा ध्यान करें तो। यही चार आपको मिलेंगे मेरे पिछले जन्म बुद्धा सिद्धार्था जब बनकर मैं आया था। बुद्धा मतलब इनलाइटेड वन, यानी रोशन हुआ मैं, पूर्ण नूर हुआ, यानी नूर से मैं रोशन हुआ, मैं इनलाइटेड हो गया, यानी बुद्धा हो गया। अब मैं महाबुद्धा बना हूं ताकि आपको समझाऊं। तो मतलब ये है कि जो लोग इस्लाम तो 14 साल पहले आया बोलते हैं लोग, नहीं नहीं ये तो शुरू से है, जब से संसार की बनाना तब से है। यही तो ब्राह्मणिज्म है, यही तो ब्रह्मांड है, यही तो सनातन धर्म है। तो फिर लैंग्वेज से अलग हुए ना, वही चीज को लैंग्वेज में अरबी में बोला गया तो आप समझ रहे हैं कि वो अलग हो गया, वो कंप्लीट किया गया। वो वेदास को, वेदास का पूरा निचोड़, बाइबल का पूरा निचोड़, ओल्ड टेस्टमेंट न्यू टेस्टमेंट का पूरे शरीयत शास्त्र का पूरा निचोड़ लफ्जों की शक्ल में, कम लफ्जों की शक्ल में, एक किताब की शक्ल में दे दिया गया। तो कुरान हदीस क्या है, पूरी वेदाओं का निचोड़ है, पुराणास का नहीं है, उपनिषद उसका नहीं है? नहीं नहीं, वो तो लोगों ने, पंडितों ने वेदों के ज्ञान के बिना पर लिखा है, जिसमें कुछ छुटा कुछ वो अलग है। पूरी भगवद गीता का निचोड़, पूरी रामायण का निचोड़, पूरी वेदा का निचोड़, वेदास का, पूरे बाइबल ओल्ड टेस्टमेंट न्यू टेस्टमेंट का निचोड़ सब कुछ क्या है, कुरान हदीस है। तो मतलब फिर ये मुस्लिम्स जो टेररिज्म कर रहे हैं, ये सब जो है वॉर जोन के जो कानून होते हैं वो सोसाइटी जोन में चलाने की कोशिश कर रहे हैं, ये उनकी गलती है। क्या उनमें आज मुशरिक नहीं है? है, खबरों पे जाके देखिए, सिजदे कर रहे हैं, चादरें चढ़ाते हैं, पूजा करते हैं, शिर्क करते हैं, क्या वो मुशरिक नहीं है? मुशरिक हिंदूज में भी हैं, मुशरिक आप देखें ईसाइयों में भी हैं, क्या वो मेरे फोटो की पूजा जीसस क्राइस्ट के नाम से नहीं कर रहे हैं, मेरी माँ की पूजा नहीं कर रहे हैं? कर रहे हैं ना, तो मुशरिक हो गए ना। हाँ, तो ये शिर्क से उन्हें पाक करना है, वही काम, असलात को कायम करना, उसी योगा को कायम करने के लिए मैं आया हूं, सही योगा को। और ये हिंदुस्तान मेरी धरती, भोलेनाथ की धरती, यानी मेरी धरती, भगवान शिवा की धरती पे मैं जन्मा हूं, जहां मेरा प्यारा भक्त नरेंद्र मोदी लगा हुआ है काम पर। भगवान शिवा यानी मेरा भक्त है वो, मालिक ने भी मुझे 3-3 बार बताया। कौन मालिक? जो भगवान शिवा का भी मालिक है, कौन? निरंकार सृष्टि रचयिता, वही अम्बा सबसे बड़ा, वही पिता, उसका दूसरा। आप ये वीडियो भी देखना, शिव भगवान ने हिंदूस की जो उलझन थी वो मिटा दी। 1 नंबर का वीडियो, 2 नंबर का, दोनों देखना, ठीक है? उसके बाद ये देखना, या फिर ये देख लें तो पहले फिर वो भी देख लें, कि वो
अपना अक्स बनाया एडम एंड ईव, तो एडम एंड ईव को भी सदा शिवा दुर्गा दुर्गा कहा गया। फिर उनके उनके बतन से जन्मा, बीच में कई अवतार आए, कई आए उनको मैंने इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूँ, लास्ट कल्कि अवतार जो कि शिव भगवान है, उसका पूरा परिवार जन्मा, पत्नियां जन्मी, नव दुर्गा, बच्चे कार्तिक, सब, तो ये भी सदाशिवा कहा गया, उसे भी सदाशिवा कहा गया एडम एंड ईव को, और उसको भी सदाशिवा कहा गया जो हमेशा रहने वाला है, सदा हमेशा हमेशा रहने वाला, सबसे बड़ा बरकत वाला। उसने अपना इमेज बनाया एडम एंड ईव, फिर उसने यानी खलीफा बनाया यानी वाइस रीजेंट, फिर उसने हमें जन्म दिया, उनकी औलाद से हम आए। ये बात समझ में आ रही है? देखिए ज्ञान, अब आप इतने सालों साल लोग जो है आज हिंदुस्तान में तकरीबन 5000 साल से गुमराही का शिकार हैं, और उसको मैं घंटे डेढ़ घंटे में समझा रहा हूं कि योगा क्या है, तो थोड़ा मेहनत तो करनी पड़ेगी। अगर आप एक घंटे का ये सवा घंटे का ये वीडियो फिर से रिवाइंड करके देख लें, फिर से रिवाइंड करके देख लें, तो समझ में आएगा। और सब लोग योगी नहीं बन सकते, लेकिन सब लोग बन भी सकते हैं अगर वो ध्यान दें तो। क्यों ध्यान देंगे, वो तो दुनिया में लगे हुए हैं। तो योग, समझ में आ गई बात? तो मतलब ये जो योगा है वो उस मालिक से मिलना है, और उससे मिलने के लिए अगर वो पहले क्या था लोगों को मालूम नहीं होता था, वो गुमराही में रहते, ढूंढते फिरते थे सच्चा मालिक कौन है कौन है कौन है। वो जो ऋषि बने बाद में नबी बने, उनसे मालिक ने रابطہ कायम किया कि देख मैं तू ढूंढ रहा है मैं तुझे करता हूँ, तब वो ऋषि बने। तो वो बगैर किताब के वो गुमराही में ढूंढते थे, तो मालिक ने उनको किताब दी, और वो आखिरी, देखिए शुरुआत है और अंत है। शुरुआत में जो वेदास आए, तो अंत में भी खयामत से पहले कुरान आना ज़रूरी था, आखिरी ग्रंथ, तो ये अंत का ग्रंथ हो गया कुरान हदीस। तो शुरुआत की वेदा, आखिर की भी वेदा ही, लेकिन कुरान हदीस की शक्ल में मुकम्मल वेदास। तो बीच में जितना इलम हुआ है इन वेदास और कुरान के दरमियान, वो वेदास से लेकर बाइबल का पूरा इलम कहाँ आ गया, फाइनल वेदा में आ गया, कुरान हदीस में। अब अंत होगा, खयामत, मेरा जन्म ही खयामत की निशानी है, मैं डिस्ट्रॉयर हूँ, विनाश करने वाला शिवा, शिवा को डिस्ट्रॉयर कहते हैं ना, महेश, महेश से खात्मा संसार का, और उसके लिए भी एक ग्रंथ चाहिए, आखिरी ग्रंथ, उसके बाद कोई ग्रंथ नहीं, वो कुरान और हदीस जो महाविष्णु एक ओंकार ने दिया है, एलोहिम अल्लाह ओम ने दिया है, अपनी श्रुति के जरिए यानी वही के जरिए आखिरी नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऋषि को। उसके बाद कोई नई वेदा है ही नहीं, ना कोई ग्रंथ। लेकिन मैंने मुसलमानों से तौबा कर ली है, लेकिन इस्लाम यानी ब्राह्मणिज्म जो सच्चा है, जो सनातन धर्म है, उससे मैंने तौबा नहीं की, क्योंकि वही एक धर्म है सच्चा, वही उसका एक ही मालिक ला इलाहा इल्ला, उसी के जो आखिरी ऋषि आए हैं, जो नबी हैं खातमुन नबीन मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो सच्चे हैं। इससे पहले के जो भी नबी आए पूरे सच्चे, वेदास सच्ची, बाइबल सच्चा, लेकिन पुराणास में, उपनिषद में, इसमें जो मिस्टेक्स हुए हैं वहाँ हुए, और जो भगवद गीता में बहुत सारी सच्चाई मौजूद है, फिर हालांकि वो भी लिखी गई है बाद में, उसमें कुछ एरर्स हैं जैसा कि बाइबल में है। तो ये सबको एरर फ्री मालिक ने वेदास से लेके फाइनल वेदा तक कुरान का जिम्मा लिया, जिसे मुसलमानों ने छोड़ दिया, पढ़ना समझना छोड़ दिया, अमल करना तो दूर की बात। आज वो गाली गलौज करते हैं सिर्फ दाढ़ी रख के, कुर्ता पैजामा पहन के, इतर लगा के, जुमे की एक नमाज पढ़ लिए, कभी कभी के पढ़े, तो समझते हैं कि वो योगी हो गए, सबसे बड़े सलात असलात कायम करने वाले हो गए। नहीं, वो चौथे नंबर पर कायम है असलात यानी योगा के, पहले पे कायम है, बीच के दो गोल हैं, पहले पे कायम है, दूसरे पे उन्होंने पहचान दिया कि मालिक एक है, कुरान हदीस सच्चा है, वो मालिक की तरफ से आया है, कयामत बरहक है, दोज़ख जहन्नुम सब है, जन्नत है, फरिश्ते हैं, जिन्नात हैं, लेकिन बीच का अमल करने का, उसको बीच का सेकेंड, उससे कम्युनिकेशन कायम करना 5 बार, उसको गोल कर दिया,
कभी कभी कर लेते हैं, अलाउड नहीं है वैसा। तीसरा कर्म करना उसके मुताबिक। तो दो के बीच के, बीच के दो गोल, बीच के दो योगा गोल है आज के मुसलमानों के, पहला है लास्ट है। दुनिया के काम में लगे हैं और उसमें थोड़ा बहुत ज़कात दे लेते हैं, तो क्या वो कामयाब है? नहीं। देखिए आप हाथ को ले लीजिए, पहला तो एक सृष्टि रचयिता सच्चा, एकांत समझ लीजिए, मतलब सृष्टि रचयिता जो शांति जो असलाम है खुद अपने आप में, वो यानी शून्य जिसे कहते हैं यानी पीस, आप पहले उस मालिक का से मिलने, फिर उसके बाद पहला योग उससे उसको पहचाना, फिर दूसरा योग उसके मुताबिक उससे कम्युनिकेशन कायम करना, तीसरा उसके बताए हुए तरीके से कर्म करना उसके कानून के मुताबिक, चौथा जो छोटा है सबसे आप देखें संसार के लिए ले लें, क्या दुनिया में कैसे अच्छाई करें कैसे बुराई को मिटाएं, फसाद के खिलाफ असलात कायम करें, फसाद यानी बुराई मिटाना, कुछ हो जाना कुछ न्यूसेंस हो जाना, खराबी को मिटाना, खराबी रहना और फसाद है उसके खिलाफ असरात। तो ये पहला दूसरा तीसरा चौथा, अब आप देखें तब ये पूरे एक साथ होंगे तब बनेगी शक्ति, शिव शक्ति, महा महा आदि योगी, यह है शक्ति। अभी समझ में आया भगवान शिवा महाशक्तिमान क्यों है? क्योंकि वो एक मालिक को पा गया, पाया नहीं उससे पाने वाला पैदा किया गया, यानी मैं पहले से ही प्री प्लान पैदा किया गया हूँ उस शक्ति के जरिए। तो वो फिर दूसरा योग उसको मैं जान गया, अपने आप को जान गया, अपना रिजल्ट अपने कर्म का रिजल्ट क्या होगा, फिर उससे मैं कम्युनिकेशन कायम करता हूँ, असलात पांच वक्त, उसके अलावा तहज्जुद, उसके अलावा इशराक चाश्त का वक्त जो होता है फोरनून, अरबी लफ्ज़ों में आप कंफ्यूज ना हो उसको आप ले लें दोपहर से पहले सूरज निकलने के बाद, रात में अंधेरे में उस मालिक महाविष्णु या ओंकार से ताल्लुक़ कायम करना, फिर उसके बताए हुए तरीके से कर्म करना, जो तीसरे नंबर पे आता है। चौथे नंबर पे देखा जाए फिर उसके बाद दुनिया में बुराई को मिटाना अच्छाई के जरिए, अब ये पूरे जो मिल जाते हैं तब बनती है शक्ति, यही पांच का राज है। योग सीखना हो तो मुझसे सीखिए, मुझ आदि योगी से सीखिए। अब जो नॉन मुस्लिम्स हैं वो बोलेंगे कि भगवान शिवा पहले आप बताएं कि आप बोल रहे हैं कि पांच वक्त सलात कायम करो नमाज कायम करो, तो ये तो मुस्लिम्स का काम है। अरे भाई मुस्लिम्स मुस्लिम को छोड़ो, मैंने भी छोड़ दिया तुम भी छोड़ो यार, छोड़ो छोड़ो मुस्लिम्स मुस्लिम का नाम छोड़ो, ग्रंथ पढ़ो, वेदास में भी तो यही था उससे कम्युनिकेशन कायम करना, सुबह शाम का बहुत अहमियत वाला है, वही तो बाइबल है। मुस्लिम्स हिंदूस क्रिश्चियन सबको छोड़ो, असल बात पर आओ, मैंने भी मुस्लिम्स को छोड़ दिया है, मुस्लिम्स को देखकर आप इस्लाम को कंपेयर मत करिए, ये मुस्लिम्स ने एक असलात कायम की यानी एक योगा, दो को बीच के छोड़ दिया, मैंने अभी बताया ना, तीस चौथा कर रहे हैं दुनिया के कामों में लगे हुए, बाकी पूरी गुमराही है, ये कामयाब नहीं है। आप अगर कामयाबी के साथ देखना हो तो आप मुझे फॉलो करें। आप कैसे कायम करें? मैंने कहा कि मुझे कह दें कि आप भगवान शिव आ गए, हम भगवान शिव के फॉलोअर हैं, मैं आपको छोटी किताब दे दूंगा जो सदा शिवा गीत है, यानी सदा शिवा गीता जो मैं आपको दे दूंगा, जो धर्म की किताब है उसमें कर्म कैसे करना है चारों योग उसमें लिखे हैं, बस उसको सिंपल फॉलो करना है, छोटी सी किताब है, आप अपने मोबाइल फ़ोन में भी डाउनलोड कर ले सकेंगे, बस आप कामयाब हैं। फजर से यानी सूरज निकलने से पहले उठकर उस मालिक को आप इतना बोल दें कि अरे मालिक मैं तुझे अर्पित करता हूँ और तेरे भगवान शिव को कबूल किया, हो गया आपकी सलाह, दोपहर में कह दें शाम में कह दें, तो आप क्योंकि नॉन मुस्लिम्स के लिए है, लेकिन अगर कोई मुस्लिम मुझे फॉलो करे तो पहले उलमाए दीन के पास जाए और पूरी ही वो पक्का मुस्लिम बन जाए पांच वक्त तक नमाजी के साथ और पूरा बन जाए, उसके अंदर शरीयत में ज़रा सा भी फ़र्क नहीं आना चाहिए ना, वरना बिदअत हो जाएगी, शिर्क और बिदअत हराम है, तो वो पूरी तरह से इस्लाम को ही फॉलो कर लें तो सही है, उसमें ज़रूरी है कि वो जाकर अपने ईसा मसीह महदी सलाम को ढूंढें, वरना वो बेकार है, सो बेकार है उनके लिए। हाँ उलमाए दीन से जाके पूछें कि ईसा मसीह महदी सलाम कहाँ है,
उसके बगैर वो इतना सब करके भी कर्म पांच योग करके भी जन्नत में दाखिल नहीं हो सकते, ये खुद ग्रंथों में लिखा है पूरा। तो जाए उलमाए दीन के पास और पूछें कि कहाँ है ईसा मसीह मेहदी अलैहिस्सलाम, मुस्लिम से पूछें, मुस्लिम से मैंने ताल्लुक छोड़ दिया, तौबा कर ली उनसे, ना मैं उनका ईसा मसीह ना उनका मेहदी, ठीक है जाओ खुदा हाफिज़ भाई, मैं उनके लिए खाली मोहम्मद मौदूद अहमद खान उम्मे जन्मा और उसी दीन पर कायम हूँ, कुरान हदीस पर, एक मालिक पर, आखिरी नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानता हूँ, उनके अलावा कोई नबी नहीं, वह आखिरी ग्रंथ, क्योंकि पहले वेदास और आखिर में कुरान, ये बात सही है, क्योंकि शुरुआत सृष्टि की वहाँ से हुई और अंत यहाँ पर होगा, क़यामत महाप्रलय। समझ में आ गई बात? अब आप देखिए, इस दौरान योग करते वक्त इंसान बीमार भी पड़ता है, इंसान खेलता कूदता भी, कुछ मजाक भी करता है, तो योगा के माने ये हरगिज नहीं है कि आप कचरा अपने आंग पर डाल लें, दाढ़ी बढ़ा लें, बाल लंबे कर लें, नंगे हो जाएं, मट्ठी लगा लें, विभूति लगा लें, पूरा मट्ठी मट्ठी कर लें, मगर ये जो कुंभ मेला में कर रहे हैं लोग, बड़े बड़े लोग कर रहे हैं, क्या वो गलत है? बिल्कुल गलत है। वो बड़े या भगवान शिवा बड़े, साक्षात भगवान शिवा बड़ा, मेरी सुनोगे या उनकी सुनो? आप एक अच्छे अगर डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, तो क्या आप नंगे होकर अपनी शर्मगाहों को अपने बच्चों को दिखाएंगे, अपने बीवी को दिखाएंगे, लोगों को दिखाएंगे? क्या आप नंगे होकर मट्टी कचरा जबकि आपको मालूम है वायरस पूरा डट्टी लगी कि अपने जिस्म पे लगाएंगे, क्योंकि आप धर्म, अपने आप को धर्म आत्मा कहलाना चाहते हो, तो क्या धर्म है ये? क्या आप चाहोगे कि बाल आपके पूरे इतने पड़ जाए, एक डॉक्टर इंजीनियर के बाल, एक साइंटिस्ट के बाल, कि पूरे उसमें लट्टी पड़ जाए, पूरे वायरस आ जाए, पूरा ऊपर से नीचे तक, पानी भी आप उसके हाथ से नहीं पियोगे, उसको आप धर्म वाला मानते हो, तो ये आपकी गलती है। वो गुमराह है, वो साइको पेशेंट्स हैं, वो जाहिलून हैं, वो जहालत में गुमराह हो गए हैं, मगर शिव भक्त हैं। इसीलिए उन भक्तों से भी मेरी अपील है कि मेरे प्यारे शिव भक्तों, मेरे कुंभ मेला में जाने वाले साधु संतों, मैं भगवान शिवा साक्षात आ गया हूँ, आप लोगों को सबको मेरा आशीर्वाद उसी को लगेगा जो मुझे कबूल करेगा, जो मुझे कबूल नहीं करेगा उसके लिए मैं 70 बार भी दुआ करूँ तो वो नाकबूल है। तो जो मेरा भगवान, क्या आप चाहेंगे कि कोई लेडी, कोई लड़की जो है नंगी होकर घूमे? हाँ, ज़रा ज़रा सोचिए ना, ये तो इंसानियत के खिलाफ ही है ना, नंगापन हराम, ये सब क्या है? ये तो समाज, यानी आप क्या कर रहे हैं? ये साइको पेशेंट्स को, जो कि बावले हो गए शिव भगवान की भक्ति में, वो बावलों को आप फॉलो ना करें। उस बावलों का जो देवता है शिव भगवान, साक्षात सौरा शिवा, भगवान शिवा जो मैं आ गया हूँ, उस यकोमकार का जो महादूत हूँ, आखिरी महादेव, मेरे मेरे लाइफ में महा महा के लोग बहुत हैं, महाशिवरात्रि, महादेव, महा महाज्ञानी, महाबुद्धा मैं ही, और मैं इतने प्यार से आपको समझा रहा हूँ, आप मुझे फॉलो करेंगे या उन बावलों को जो मेरी मोहब्बत में बावले हो गए उनको फॉलो करेंगे? सोचिए। हाँ, भगवान शिवा साक्षात कल की मॉडर्न आ गया हूँ, समझ में आ गई ना बात? तो अगर आप अपनी योग साधना को योगी सच्चे बनना चाहते हैं तो मुझे फॉलो करिए मेरे बताए हुए तरीके से, प्यार से, मोहब्बत से। मैं सोसाइटी जोन में आया हूँ, वॉर जोन में नहीं, लिहाजा तलवारी जंग, खात्मा करना, कत्ल कर देना, ये सब मेरे कॉन्सेप्ट में नहीं है। यहाँ पर प्यार बांटते चलो, प्यार बांटते चलो, प्यार चाहिए तो ले लो, जायज प्यार, पड़ोसी की पत्नी से तुम प्यार करके बोलोगे कि वो प्यार हो तो प्यार नहीं, वो माँ पाप है। हाँ, उसको कहोगे मेरी प्यारी बहना, मेरी माँ, तो वो पाप तुम्हारा, वो प्यार सच्चा होगा, वो भी सूरत देखने की जरूरत नहीं है, वो पर्दा कर सकती है तुमसे। पर्दा तो वेदों पुराणों से है, बाइबल से है, मुस्लिम में भी वही है। अभी भी आप जंगलों में जाएं, गांव में जाएं, औरतें इतना बड़ा बड़ा पर्दा डालते जाती हैं, ऐसे ऐसे, क्या वो पर्दा नहीं है? क्या वो अपने शरीर को बुराई से बचाना नहीं है, बुरी नज़रों से बचाना ही तो पर्दा है? लिहाजा वही सनातन धर्मा बाइबल है, वही कुरान हदीस है, मैं आ गया हूँ, आ महाशिव। समझ में आ रही बात? पहला योग
दूसरा योग, तीसरा योग, चौथा योग, और फिर इसके लिए कुछ फाइनेंशियली भी ज़रूरत होती है, पैसे की कुछ काम करने की भी ज़रूरत होती है, तो वो काम भी तीसरे योग के ज़रिए करें कि कैसे कमाई हो, कैसे पैसा आए, कैसे उसमें बचत हो, फिर वो कैसा उसमें लगाए, फिर थोड़ा थोड़ा ध्यान। और यही योग मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले करते थे, पहला योग उनसे शुरू हुआ। वो खाना पीना नाश्ता लेकर जाके ग़ारे हिरा में बैठ जाते हक़ की तलाश में। ये योग उन्होंने किया पहला कि हक़ क्या है, क्या है, वो मालिक ने उनसे करवाया है। उसके बाद फरिश्ते जिब्राइल अलैहिस्सलाम उनके पास आए और बोले कि ये योग भी मालिक करवा रहा है, देखो यहाँ पर, यानी इसी वजह से तो वो आए, उनको आखिरी नबी बनाना फैसला हो चुका था, आखिरी ऋषि बनाना। तो वो भी योग किए, पहला ध्यान तलाश में गए हक़ की, कौन है मेरा मालिक, कौन हूँ मैं, क्यों आया, सब कुछ। तो उनसे भी योग करवाया गया, और यही योग मूसा से भी करवाया गया, यही योग आप देखें सबसे करवाया गया सब, और यही योग मुझसे भी करवाया गया। लेकिन मेरा तो जन्म से ही मैं योगी, क्योंकि वही योग के को बताने के लिए उस मालिक ने मुझे पूरा अपनी मर्जी से, अपनी मर्जी से लीलाओं से पैदा किया। इसीलिए भी मैं बिना ग्रंथों को पढ़े भी योगी था, आदि योगी, आदि योगी भगवान शिवा मैं। हाँ, समझ में आ रही है बात, कहो हर हर महादेव। हर हर महादेव कहने से शिव नहीं होता, ये महादेव मतलब ऐ महादेव हमारे गुनाहों को हर लो, हमें बचा लो, आओ हमारे पास, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण कहो, मतलब मेरे ही हो। आप जय जयकार कर रहे, मालिक कहता है कुरान में अपने रब की, तुम हम तो सना बयान करो। रब के माने माँ बाप भी है, रब के माने बादशाह के भी है, रब के माने भगवान शिव भी है। मतलब मैं हिंदूस को समझा रहा हूँ, क्योंकि हिंदू से बार बार ये पूछेंगे कि रब मतलब पिता, बड़ा, घर के बाप का इज्जत करो। तो मैं मसीहा मेहदी नहीं बोल रहा हूँ, मैं मुसलमान हूँ, मैं वो हुई नहीं, उनका ख्याल ही मसीहा मेहदी मैं हुई नहीं, मेरा कोई में दावा नहीं है, मैंने उनको छोड़ दिया। मैं सिर्फ हिंदूस को बोल रहा हूँ, क्रिश्चियंस को बोल रहा हूँ कि मैं भगवान शिवा हूँ, तुम्हारा रब, तुम्हारा बड़ा बाप, लेकिन मैं वो महाविष्णु नहीं, यकोमकार नहीं, रब्बुल आलमीन नहीं, मैं उसका दूत हूँ, शिव भगवान, ओमकारा, साक्षात शिव भगवान मैं आ गया, महायोगी, महादेव, देवों का देव, महादेव। लिहाजा मेरी बात समझने की कोशिश करो। हाँ,